हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंट्रोल फ्लो इन जावा। ठीक है, कंट्रोल फ्लो। तो कंट्रोल फ्लो का क्या मतलब है? जैसे आपने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखा, अब आप क्या करना चाहते हो? आप इधर इस लाइन पे हो, आप इस लाइन को 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। आप कंट्रोल चाहते हो 5 टाइम्स इसी लाइन पे रहे। आप चाहते हो कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो, वरना ये लाइन एग्जीक्यूट ही ना हो। आप फिर आप चाहते हो कि आप इस लाइन से डायरेक्टली इस लाइन पे स्किप कर जाओ। तो आप यानी अलग अलग कंडीशंस में चाहते हो कि अलग अलग कुछ काम हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो फ्लो है, आपका जो कंट्रोल है, वो अलग अलग जगह पे जाए किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई होने पे। तो उसको कहते हैं कंट्रोल फ्लो इन जावा। हम लोग ये स्पेसिफाई करते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स यूज करके कि किस कंडीशन में क्या क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए और क्या नहीं। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले एक है जंप स्टेटमेंट, एक है कंडीशनल स्टेटमेंट, और एक है लूपिंग स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट यानी अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन स्पेसिफाई हो रही है तो पर्टिकुलर लाइंस एग्जीक्यूट हो, वरना ना हो। लूपिंग स्टेटमेंट, लूप यानी एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ सम पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड बार 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 एग्जीक्यूट हो, उसे बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट यानी आप एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप कर जाओ और बीच का स्टेटमेंट स्किप कर दो। तो आज की वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, काफी तरीके की होती हैं, इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच। तो इसमें से आज हम इफ और इफ एल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफ। तो इफ जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, इफ कंडीशन और इफ का ब्लॉक। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर ये बीच वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इफ के अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, वरना वो नहीं होंगी। और उसके बाद अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी बाकी जो फिर इफ के बाद की लाइन से फिर वो एग्जीक्यूट होंगी। क्या कहने का मतलब है मेरा? इफ 8 ग्रेटर देन 9, प्रिंट हेलो, और फिर वर्ल्ड प्रिंट कर दो। तो 8 9 से बड़ा है, 8 9 से बड़ा नहीं है, तो अब क्या प्रिंट होगा? सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब अगर मैं उल्टा कर देती हूँ, ए लेस देन 9, तो ए 9 8 9 से छोटा है, 8 9 से छोटा है, तो हेलो अंदर का प्रिंट होगा, उसके बाद बाहर जाएगा वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन इन साइड द इफ इज ट्रू देन द लाइन इन साइड द इफ विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कोड करके देखते हैं। इफ पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20। इफ ए लेस देन बी, तो मैं क्या कर देती हूँ, मैं प्रिंट कर देती हूँ इफ इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और उसके इफ के बाहर अब मैं लिख देती हूँ, ये प्रिंट कर देती हूँ रेस्ट ऑफ द कोड। तो अगर मेरा ए लेस देन बी है, यानी मेरा 10 जो है वो 20 से छोटा है, तो अब ये मेरे को क्या आउटपुट देगा? इफ इज एग्जीक्यूटेड, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में मुझे देगा रेस्ट ऑफ द कोड। तो रन करते हैं इसको और देखते हैं। तो इसने मुझे दे दिया इफ इज एग्जीक्यूटेड, उसके बाद इसने मुझे दे दिया रेस्ट ऑफ द कोड। अब क्या करते हैं, सिंबल चेंज कर देते हैं। तो 10 जो है वो 20 से छोटा बड़ा तो नहीं है, तो यानी मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इफ ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर इफ एग्जीक्यूट हो नहीं हो तो भी मेरा
रेस्ट ऑफ द कोड तो एग्जीक्यूट होगा, वो तो बाकी प्रोग्राम है एज इट इज. ठीक है, अब हम वापस से चलते हैं. ये था मेरा इफ. अब चलते हैं हम इफ एल्स पे. इफ एल्स, अब इफ एल्स क्या करता है? इफ इफ में आपने दी कोई कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ एग्जीक्यूट होगा अभी तक जैसे हो रहा था. लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आपके एल्स में जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, और बाकी फिर रेस्ट ऑफ द कोड. तो इफ एल्स मतलब ये इफ का ही एक्सटेंडेड पार्ट है. अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई तो इफ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा. तो अब इसको कोड करके देखते हैं. इफ के आगे ही हम लिख देते हैं एल्स और इसमें प्रिंट कर देते हैं एल्स इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है, अब इसको सेव करके रन करते हैं. तो अब क्या प्रिंट हुआ मेरे पास? एल्स इज एग्जीक्यूटेड रेस्ट ऑफ द कोड. तो अगर मेरा कंडीशन ट्रू होगी, इफ के कंडीशन एल्स के अंदर नहीं डालते, सिर्फ इफ के अंदर डालते हैं. इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो मेरे पास इफ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स एग्जीक्यूट होगा. अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट के दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेते हैं यूजर से. ठीक है, यूजर से मैंने दो सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए, उनका एवरेज निकाला. अगर उनका एवरेज अगर आया, लेट्स से परसेंटेज निकाला, परसेंटेज अगर आया 70% से ज़्यादा तो इसका मतलब स्टूडेंट पास, अदरवाइज द स्टूडेंट फेल. ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? दो हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं यूजर से. तो यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास बनाई. स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट. ठीक है, इंट ए ले लिया, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और एक मैंने ले लिया इंट बी इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट. ठीक है, ए और बी मुझे मिल गया. अब मैं ले लेती हूँ मेरा डबल परसेंटेज. तो परसेंटेज मैंने ले ली, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? दी परसेंटेज. अब मैं क्या करती हूँ, इफ 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 परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो मैं क्या कर दूंगी, पास एल्स में मैं उसको कर दूंगी फेल. ठीक है, और यहां पर एक बार परसेंटेज को प्रिंट भी कर लेते हैं. ठीक है, अब करते हैं रन. तो अब मैं ले लेती हूँ एक 80 और एक ले लेती हूँ 70. तो उसका जो आया एवरेज आया 75 आया और वो पास हो गया. ठीक है, अब दोबारा से एक बार रन करते हैं. अब लेते हैं 90. अब ले लेते हैं 90 और 90, तो वो 90 उसका आ गया, वो पास हो गया. एक बार फिर से ले लेते हैं, अब फेल करके देखते हैं उसको. तो अब आया 10 और 50, एवरेज आएगा 30 और वो फेल हो जाएगा. तो ये था इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में. ठीक है, थैंक यू.